नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स को चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए मॉडल पेपर देखेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। इस मॉडल पेपर में हम लोग जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है जीके, जीएस, जीए का मॉडल पेपर 3 है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुकी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये एल बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हुआ है। इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेंगे और जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, वो सब के सब ट्रिक के साथ दिए गए हैं, सो दैट आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, जिससे आप परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं। साथ ही साथ रेलवे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बुक की कीमत सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये है। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बुक खरीदने का, उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपये मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक मैंने ही पढ़ी हुई है, बुक बहुत ही अच्छी है, बुक आप जरूर खरीद लें। अगर आपको बुक खरीदना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसमें किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, तो उस लिंक से आप जरूर खरीद लें, आपको सिर्फ 35 रुपये में ये किताब मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और इस 30 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन का सही से आंसर देना है। जिसने भी सबसे पहले 22 क्वेश्चन का सबसे पहले सही से आंसर नीचे कमेंट करके दे दिया, उसको जो है 20 रुपये का पेटीएम जो है इनाम के तौर पर दिया जाएगा हर बार की तरह। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 सेकंड भी आपको मिलेंगे। उस 4 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, अपना जो आंसर है नीचे कमेंट करके जरूर सीक्वेंस में देते रहना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयले में संग्रहित ऊर्जा डैश होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है कोयले में? आपको मिलते 4 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनर्जी। ये जो है रासायनिक ऊर्जा रहती है। कोयले में संग्रहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर, सौर आसवन संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको मिलते 4 सेकंड, इसके बाद इसका जवाब हम देंगे। दोस्तों, जो लोग भी लेट से आ रहे हैं ना, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। हालांकि टाइम बता दिया गया, रोज शाम 4:30 बजे लाइव क्लासेस होती हैं, सब कोई ऑनलाइन आ जाया करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी। जैसे आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा, हर जगह सौर कुकर, सौर आसवन, सौर ऊर्जा जैसे लग रहा है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक हॉर्स शक्ति बराबर कितनी होती है, मनी 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बराबर कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, आई थिंक सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वोल्ट। तो 1 हॉर्स पावर यानी HP जिसको बोलते हैं, ये बराबर होता है 746 वोल्ट के, और हॉर्स पावर जो है पावर की यानी शक्ति की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विखंडन और संलयन यानी फ्यूजन और फ्यूजन क्या कहलाए जाते हैं? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, न्यूक्लियर जो होता है ना, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस, उसका टूटना और जुड़ना, उसको बोलते हैं विखंडन और संलयन। ठीक है, तो ये परमाणु प्रतिक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मतलब किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि न्यूटन्स का लॉ है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति के कारण ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण अगर कोई ऊर्जा आती है तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर है, स्थिति है यहाँ पे, इसलिए स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के दौरान किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा है, तो उसमें जो ऊर्जा जो है वो क्या होती है? शून्य होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है? फटाफट सभी को रिप्लाई करें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहती है। देखिए ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ऊर्जा जितने मात्रा में रहती है उतना ही मात्रा में स्थिर हो जाती है, कॉन्स्टेंट रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई गाड़ी में डैश ऊर्जा होती है, तो एक चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तीन ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है। कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा का क्या होता है? संभावित ऊर्जा का क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? संभावित ऊर्जा, इसकी संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी ऊंचाई पर ले जाया जाता है किसी वस्तु को तो उसकी संभावित ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में, वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा है, उसका तात्पर्य क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको मिलते हैं 4 सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी उस वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। ये ऑप्शन बहुत ही सही हो जाएगा। सपोज करें एक कोई भी एक बॉक्स है, उसमें भी क्या है, वो सब अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उस अगर ये वस्तु ऊष्मा है इसके अंदर, मतलब टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब क्या है, उसके सारे अणु भी गर्म होंगे, सबके सब जो है उसमें अणु जो है गर्म होंगे। तो ये आप याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देख लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किस तापमान पर फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों मूल्य समान है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों का वैल्यू समान हो जाता है, -40 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है, गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि गैसें क्या होती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि गैसों में कम विशिष्ट ऊष्मा होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, या विस्तार का बड़ा गुणांक होता है, या फिर हल्की होती है गैसें। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तरल थर्मामीटर ज़्यादा संवेदनशील होता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गैस के पास कम विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर कॉइल से खाना पकाने के बर्तन तक उष्ण ऊर्जा एक स्थानांतरण किस प्रक्रिया से किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल विकिरण और संवहन के द्वारा ही किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर, चार ऑप्शन आपके सामने है, एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर गैस में आणविक गति बंद हो जाती है, अणुओं की गति जो है एकदम बंद हो जाती है, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं पूर्ण, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना, -270 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण थर्मल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? थर्मल ऊर्जा, ये बात याद रखना, थर्मल से विद्युत में, इलेक्ट्रिकल में। फटाफट इसका जवाब दें। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? सी, थर्मोपाइल। देखो थर्मोपाइल क्या करता है ना, थर्मल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मल से विद्युत, इसलिए आप थर्मल जो है, थर्मल पाइल जो है याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 37 डिग्री, कभी कभी 38 भी दे दिया जाता है, तो दोनों में से अगर कोई भी दिया रहा है तो एक पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु क्या होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु जो है तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब फास्ट मूवमेंट करने लगते हैं। यही कारण है कि जो गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, उसको जो है कभी भी हम लोग धूप में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं धूप में? क्योंकि अगर वो गर्म हो जाएगी तो उसके जो अणु होते हैं बहुत फास्ट गति से मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जो है सिलेंडर की दीवारों पे वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, जिसके कारण जो है सिलेंडर जो है फट सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मानव कान कितनी सीमा तक तीव्रता का जवाब देता है, मतलब जो है कितनी तीव्रता होने से भी मानव जो है, मानव का जो कान है वो सुन सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 12 से लेके 1 तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है, क्या बदलती है? 3-4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। मतलब क्या है, साउंड का लाउडनेस, एल को अगर लाउडनेस कहें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉडी के या वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड यानी ए के बराबर। ठीक है, जितना लाउडनेस होगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा यानी आयाम होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया रेलवे के एग्जाम में, ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको 4 सेकंड मिलते हैं इसके जवाब हम देंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम सुनते हैं ध्वनि हमारे दिमाग पे असर करता है, उसका 1/10 समय ही हम लोग जो है उसको याद रख लगते हैं, यानी 0.1 सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबवत एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकेंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता कही जाती है। लंबवत एक इकाई क्षेत्र पे, यूनिट इकाई क्षेत्र पे, एरिया पे, 1 सेकंड में जितनी भी ध्वनि की ऊर्जा उत्पन्न होती है, पारित होती है, गुजरती है, उसको तीव्रता बोलते हैं यानी इंटेंसिटी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आई थिंक ये बहुतों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लोग लेट से आ रहे हैं वो जल्दी टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। आप जो लाइव क्लास के बाद भी टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप सही सही आंसर देते हैं 30 में से 22 क्वेश्चन का सही आंसर, तो भी आपको जो है 20 रुपये का इनाम पेटीएम आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे का यूज करते हैं हम लोग किसके निर्माण में, संरचना में, क्रिस्टल की संरचना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठोस में ध्वनि की गति है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ठोस में ध्वनि की गति है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस से 15 गुना होता है। ठोस में ध्वनि की गति गैस से 15 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम यानी निर्वात के माध्यम से कौन सी तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता, प्रेषित यानी ट्रांसमिशन उसका नहीं किया जा सकता है। 3 ऑप्शन आपके सामने, आपको मिलते हैं 4 सेकंड, कौन सी तरंगों को। चलिए सभी को सही आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ध्वनि की तरंगों को आप जो है ना निर्वात यानी वैक्यूम की मदद से, माध्यम से उसको प्रेषित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक स्थिति की। हवा में ध्वनि की गति जो है उसकी भौतिक स्थिति यानी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है,
ध्वनि तरंगों को किसी भी डैश द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको मिलते हैं 4 सेकेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों को किसी भी मीडियम यानी माध्यम द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। कौन से तरंगों को? ध्वनि तरंगों को, ये जरूर याद रखें। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 30 MCQ जो कि RRB, NTPC, JEE और ग्रुप डी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत एक बेल का आइकन आता है, उसे भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको इस वीडियो का और बाकी सारे वीडियो का अगर PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, डेली नोट्स, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 7044323173। आपको जो है RRB NTPC के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, सो दैट आप अपनी तैयारी जो है पूरे अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि इस ग्रुप में आपको डेली का डेली PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी फुल तैयारी कराई जा रही है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, और एक बात कि वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते, वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर किया करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो जो है शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।